फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सबसे पहले टॉपिक्स सेट्स की। तो सेट क्या होता है बेसिकली, तो आपने देखा होगा कि आप भी एक जैसी कॉपियां एक जगह रखते हो, एक जैसी किताबें एक जगह रखते हो, कॉपियों को अलग रखते हो, किताबों को अलग रखते हो। तो इनका आपने सुना भी होगा, दुकानदार कहता है कि मैंने सेट बना बना के रखे हैं। तो सेट इज व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक जैसी चीजों को एक साथ रखने का जो तरीका होता है वो तरीके को ही सेट कहते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, ए इज अ सेट। ए एक सेट है जिसके अंदर हमने नंबर्स रख दिए, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से। बी एक दूसरा सेट है, इसको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो इसको ए जो सेट है इसको यूजुअली एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 0, 2, 4, 6। ये देखिए, ये क्या चीज है, ये इवन नंबर्स है। सी एक दूसरा सेट हम बना सकते हैं जिसके हम अंदर लिख सकते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कंबोडिया। ये क्या सेट हो गया, सेट ऑफ कंट्रीज हो गया। तो सेट ऑफ कंट्रीज हो गया। अगर हमने एक नया सेट बना दिया, ए ई आई ओ यू, ये क्या बन गया, सेट ऑफ वॉवल्स बन गया। अब एक ऐसा सेट भी बना देते हैं जिसमें लिखा है, वन भी लिख दिया, पेन लिख दिया, इंडिया लिख दिया, सोशल साइंस लिख दिया। दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। अगर हम चाहें कि इनको कुछ बोले तो कुछ बोलें, तो क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर तो कुछ भी है तो हम बोल नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कि इट इज अ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एक कहानी के फॉर्म में, एक्स सच दैट, ये निशान जो है, ये जो डबल डॉट्स बने हैं कॉलन के, इसको यहां पर सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट एक्स, एक्स इट कंटेन्स एक्स, इसमें सारे उस तरह के एक्स हैं जो कि किस प्रकार है, एक्स इज अ वॉवल। क्या है एक्स, एक्स एक वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट का, एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये सारे वॉवल्स हैं। ये जो तरीका है इस तरीके से लिखना और इस तरीके से लिखना, इन दो तरीकों में इस तरीके को कहते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, और इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। F एक सेट है, मान लीजिए कि F एक सेट है, ये लिखता है कि इट कंटेन्स X सच दैट 1 इज लेस और इक्वल टू X, लेस और इक्वल टू 3 एंड X बिलोंग्स टू N, ये निशान जो है बिलोंग्स के लिए, बिलोंग्स, दिस इंडिकेट्स बिलोंग्स, बिलोंग्स, बिलोंग्स। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये 0, 2, 4, 6, ये सब इस सेट को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। व्हाट आर दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इनको सेट का एलिमेंट कहते हैं, इस सेट के ये एलिमेंट्स हैं। तो जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं दे बिलोंग टू द सेट, एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट, बिलोंग टू द सेट या belong to that set whose elements are they are, जिसके वो elements होते हैं उसको वो belong करते हैं। जैसे ये 0 belong करता है, इसमें 1 belong करता है क्या, does 1 belong to this set, तो नहीं, 1 does not belong to B, 0 belongs to B, क्योंकि 0 इसका एक element है। इसमें देखिए, 0 does not belong to A, 1 belongs to A, 2.5 does not belong to A, क्योंकि 2.5 इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसी तरीके से है कि belongs to, तो x belongs to n का मतलब है x नेचुरल नंबर है
और 1 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा है या बराबर। तो ये केस होगा 1, ऐसा नंबर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो ऐसे नंबर्स कितने आ गए, 3 आ गए। ये जो है ये बिल्डर फॉर्म है सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक जी एक सेट है, जी कहता है कि जी कंटेन्स वाई, एक्स लिखो, वाई लिखो, ए लिखो, बी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, वाई सच दैट वाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 को, तो आपके पास दो फैक्टर आते हैं y माइनस 1, y माइनस 2, स्प्लिटिंग मिडिल से। ये आपको आता ही है, क्वाड्रेटिक में पढ़ रखा है आपने। तो y की दो वैल्यूज है 1 और 2। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। और अगर इसकी का रोस्टर फॉर्म लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 2 आ जाएंगे, 1, 2। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया 1, 2। और ये कौन सा हो गया इसका, ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज अ सेट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और देखे हमने कि सेट को कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, वन इज रोस्टर एंड अनदर इज सेट बिल्डर। अब अगर इसके आगे जाएंगे तो आगे और समझ में आएगी हमको बात। एक होती है सेट के अंदर एक खास बात है कि अगर कोई एलिमेंट बार बार भी आ रहा है तो वो एक ही बार गिना जाएगा। सपोज ये एक सेट है, इट इज अ सेट, और इसके अंदर ये एलिमेंट है, तो हमसे पूछेंगे हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। देन वी शैल से दैट इट कंटेन्स 3 एलिमेंट, इट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। पर अगर इसके अंदर एक एलिमेंट हमने और बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, तो पूछेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस सेट, देन यू विल आंसर दैट इट कंटेन्स ओनली 3 एलिमेंट्स। क्योंकि अगर एलिमेंट रिपीट होता है तो इट इज काउंटेड वंस। एक एलिमेंट अगर बार बार भी लिखेंगे तो भी वो कितनी बार गिना जाएगा, एक ही बार गिना जाएगा। तो एक नई टर्म है, नई टर्म कहलाती है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, या फिर कहते हैं इसको कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए। ए कोई सेट है उसकी कार्डिनलिटी के बारे में, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको दो तरीके हैं, एन ऑफ ए लिख देते हैं या फिर उसको एब्सोल्यूट वैल्यू ए लिख देते हैं, है ना। जो आप एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपने देखा होगा तो इसको मॉड्यूलस कहते हैं, तो मोड ऑफ ए भी कहते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज व्हाट, इट इज अ नंबर, नंबर कौन सा नंबर है, नंबर विच सेज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट, वो ये बताता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स है। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए, अब मैं फॉर्मल डेफिनेशन देता हूं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए, उसको कार्डिनलिटी ऑफ ए कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लें अपन तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 3, 1, 5, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, एन ऑफ ए। इसकी कार्डिनलिटी होगी, एक ही एलिमेंट अलग है, एक ही अलग है, ये अलग है, 3। अगर हमने एक सेट बना दिया बी और उसके अंदर लिख दिया 2, 2, 2 100 टाइम्स, तो क्या होगी इसकी कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी बी की 1, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अगर मान लीजिए कि एक ही एलिमेंट है तो सच अ सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको कहेंगे, तो सिंगलटन सेट, अगर कोई सेट बी एक सिंगलटन सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होना चाहिए, उसकी कार्डिनलिटी होना चाहिए 1। तो उसको कौन सा सेट कहेंगे, हम सिंगलटन सेट कहेंगे, अगर उसकी कार्डिनलिटी 1 है। और ऐसा कोई जिसकी कार्डिनलिटी 0 है, मान लीजिए कि एक सेट है हमारे पास
जिसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? जीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेट भी है, इसको कहते हैं नल सेट, इसको कहते हैं हम नल सेट, एम्प्टी सेट, बहुत सारे नाम है इसके, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये सारे नाम है। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। और इसकी वैल्यू, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है? इसकी कार्डिनलिटी होती है जीरो, इसकी कार्डिनलिटी जीरो, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो इट्स कार्डिनलिटी इज जीरो, ये कहलाता है एम्प्टी सेट। और ध्यान दें, अगर एक सेट ऐसा है, मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, एक ऐसा सेट है तो ये एम्प्टी सेट है, पर इसके अंदर भी एक फाई डाल दिया तो नाउ इट इज अ सिंगलटन सेट, अब ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर अब ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसको आप ऐसा समझ लें कि ये एक पेटी है, दिस इज अ बॉक्स, एंड अ बॉक्स इज कंटेनिंग अनदर बॉक्स, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, तो इसका मतलब ये बॉक्स, बड़ा वाला बॉक्स तो खाली नहीं है, तो ये इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये बहुत पूछा जाता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों नहीं है एम्प्टी सेट? क्योंकि इस हमसे पूछ रहे हैं कि बड़े में क्या है, तो बड़े में एक एलिमेंट है, बड़ा इज अ सिंगलटन सेट, बड़े को सिंगलटन कह सकते हैं। व्हाई वी कैन से इट इज अ सिंगलटन? बिकॉज इट कंटेन्स वन एलिमेंट, इसके अंदर एक एलिमेंट है, और इसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सिंगलटन। अगर हम सिंगलटन का एक एग्जाम्पल उसमें से देख के लें, तो ये भी सिंगलटन सेट है, इट इज अ सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो इट कंटेन्स वन एलिमेंट, कौन? ये बड़ा वाला। अंदर हम जा ही नहीं सकते, बाहर से देख सकते हैं, बड़े वाले के अंदर क्या है? एक एलिमेंट है। जैसे आपने येलो कलर का एक आइकॉन देखा होगा कंप्यूटर में, एक येलो कलर का जो आइकॉन बना रहता है, उसके अंदर एक फाइल डाल दी, भले ही वो एम्प्टी फाइल है, भले ही वो उसमें कुछ भी नहीं है, पर जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि द फोल्डर इज हैविंग वन मोर फोल्डर, द फोल्डर इज हैविंग वन मोर फोल्डर इनसाइड द फोल्डर। तो इस तरीके से, तो ये सिंगलटन सेट था, ये नल सेट है। आइए अब हम और कुछ सेट के तरीके, वो सेट के टाइप्स पढ़ते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट वो होता है विच कंटेन्स फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, विच कंटेन्स फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ऐसा सेट फाइनाइट सेट होता है, कौन सा सेट फाइनाइट होता है? विच कंटेन्स फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, विच कंटेन्स फाइनाइटली या विच कंटेन्स फाइनाइट भी लिख सकते हैं, विच कंटेन्स फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट। देखो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है थ्री 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 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, तो ये कैसा सेट हो गया? तो दिस इज अ फाइनाइट सेट, ये एक फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है? बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन है? थ्री। इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? थ्री, तो इसकी कार्डिनलिटी थ्री होगी। तो फाइनाइट सेट जो भी होंगे एन ऑफ फाइनाइट, उन फाइनाइट्स की कार्डिनलिटी कितनी होगी? उनकी फाइनाइट्स की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट से कम होगी, मतलब फाइनाइट होगी। लेकिन अगर ऐसा सेट हमने बना दिया, बी एक सेट है हमने बना दिया, इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इन्फिनिटी, इसको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं हम, कभी आपको मैंने बताया था कि इसको नेचुरल से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, तो ये कैसा सेट हो गया? ये इनफाइनाइट सेट हो गया। क्यों इनफाइनाइट सेट हो गया? बिकॉज इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसलिए इनफाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट सेट क्या हुआ? आपने देखा कि व्हाट इज फाइनाइट? फाइनाइट सेट इज अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एंड इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट, देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो आपने दो सेट देखे, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट कौन सा सेट है विच कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट ये इंपॉर्टेंट बात है, उसको कौन सा सेट कहेंगे हम, इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. तो उस सारे उस वाले सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट, और हमने रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स का देखा. अब हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे इसके इससे रिलेटेड ऑपरेशन और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जो आप ध्यान से देखिएगा. ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के मुझे बताएं. विश यू ऑल द बेस्ट.